वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस प्लान क्या है? अगर आप बिजनेस करते हो या करना चाहते हो, हमेशा बिजनेस का अच्छा प्लान, फर्स्ट क्या प्लान में आता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट जो फैक्ट है, बिजनेस गोल डिस्क्रिप्शन लेआउट। एक तो गोल होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या बिजनेस किस लिए कर रहे हो? आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो या टाइम पास के लिए कर रहे हो, या अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, या सोसाइटी के लिए कर रहे हो, या देश के लिए कर रहे हो? तो सबका बिजनेस करने के लिए एक गोल होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, लेआउट होता है। अगर इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ग्रोथ को सपोर्ट करिए। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड, आप कोई भी बिजनेस करते हो उसका प्लान कीजिए कि उसका डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं, और वो कितना डिमांड है। उसको हम लाखों में सेल कर सकते हैं, करोड़ों में सेल करते हैं, अरबों में सेल कर सकते हैं, आखिर उसका डिमांड कितना है, उसकी मांग कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी इंक्वायरी कितनी है, और उसका ऑर्डर कितना कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, आप अगर बिजनेस करते हो तो आप देखिए कि आप अगर पीवीसी वाटर स्टॉक पर सेल करते हो या मैन्युफैक्चरर करते हो, तो आपको क्या देखना होता है कि आपसे ही रिलेटेड, आपके ही सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, और वो किस स्टाइल में, किस अंदाज में, और किस तरह से वो मार्केट में काम कर रही है कि उनको ज्यादा बिजनेस आ रहा है, तो उनके ऊपर आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, उनके पीछे आपको जाने की जरूरत है, देखना होगा कि आखिर वो कंपनी यहां तक कैसे पहुंची है। आप वेबसाइट पर जाके देखिए, कहीं ना कहीं से आप इंफॉर्मेशन लेते रहे कि आखिर उस कंपनी का यहां तक पहुंचने में उनकी प्लस पॉइंट क्या है और उसके निगेटिव पॉइंट क्या है। उसी तरह से उसके अंदर जितने भी प्लस पॉइंट है उससे भी बेहतर करके आपको और एक प्लस के आगे एक और प्लस जोड़ेंगे, तब उससे आगे जा सकते हैं। जैसे हम बताते हैं, अब यहाँ पे एक लाइन है और फिर इसके ऊपर एक और लाइन बड़ा खींचेंगे तभी ये लाइन दिखेगी, और फिर इसके बाद आगे एक और लाइन बड़ा खींचेंगे तभी बड़ी लाइन दिखेगी। तो कहने का मतलब है, जो पहले से ऐसे आप कर रहा है, जो पहले से ऐसा खड़ा है, आपको अगर आप अभी स्टार्ट किए तो इस पोजीशन में है, ये ग्राफ है आपका, अगर इस ग्राफ से ऊपर जाना पड़े तो आपको डिफरेंस कुछ करना पड़ेगा जो पहले से, और आपको ग्राफ को लेकर ऊपर जाना पड़ेगा तब आप दिखाई दोगे, तो आपके पास बिजनेस का जाएगा, तो प्लान बहुत स्लोर करना पड़ेगा और स्टॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर एंड डी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे आपका होजेज है, इलास्टोमेरिक बेयरिंग है, स्ट्रिप्सिल एक्सपेंशन, जो मार्केट में रिसर्च करिए कि उसका रिक्वायरमेंट है क्या है, और कहीं काफी चेंजिंग होते रहता है उसका, काफी स्पेसिफिकेशन में भी ईयर वाइज चेंज होते रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं इलास्टोमेरिक बेयरिंग का, तो आज से कई साल पहले आपका 2015 के पहले इलास्टिक मॉडुलस टेस्ट था, उसमें एक आता था सेफ फैक्टर के थ्रू हम लोग निकालते थे उसका इलास्टिक मॉडुलस, उसके प्लस माइनस 20% था, तो आज के डेट में वो जो है कन्वर्ट हो गया, स्टिफनेस टेस्ट हो गया है, तो अब इलास्टिक मॉडुलस नहीं रहा है, और ये जो है शियर मॉडुलस टेस्ट होता था, और आज भी शियर मॉडुलस टेस्ट होता है, तो डिपेंड ऑफ द हार्डनेस एज पर BSN एज पर ISN बोर्ड के इत्यादि। हर चीज डे बाई डे चेंज होते रहता है, आपको R&D की जरूरत है। आज के कई साल पहले जिस हम बात करते हैं इंसुलेटिंग रबर मैट का, तो IS 5424 के हिसाब से चेकर रबर मैट मार्केट में चलता था, तो काफी एनालिसिस R&D होने के बाद उसमें काफी दिक्कत आती थी और लुक अच्छी नहीं आती थी, सेफ्टी कम था, तो काफी R&D होने के बाद IS
150652 आ गया, उसमें 2 ml, 2.5 ml और 3 ml, 3.5 आ गया। तो आप हर बार आर एन डी की जरूरत है, चाहे कि आपका फैमिली हो चाहे आपका कुछ, हर एक डे बाई डे आर एन डी करते रहिए। आपने आपका घर में भी, जैसे आप एक बार घर बना दिया, सालों साल कभी पेंट नहीं कराए, जहाँ पे एक बार सामान रख दिया उसको हटाए ही नहीं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं। डे बाई डे हर 6 महीने, हर 2 महीने को उसको चेंज करते रहें, आर एन डी करते रहें, इधर अलमारी हटाइए, उधर पिटिए, कुछ ना कुछ चेंज ही करते ही रहिए, तो आपका लुक अच्छा आएगा, आपको देखने में अच्छा आएगा। आपने इससे आपको शरीर ऊपर वाले दिया, इसमें भी आर एन डी की जरूरत है। आपका पेट निकलते जरा खाते जरा इसको कम करो, और जैसे आपका बॉडी डे बाई डे, जैसे आपका सेविंग दाढ़ी बढ़ गया, आप सेविंग नहीं करते हो, या इसको भी आर एन डी करो। आपका बाल पक रहा है तो उसमें भी कलर लगाओ ना, थोड़ा सा हैंडसम दिखने की कोशिश करो। तो हर जगह पर आर एन डी की जरूरत है, तभी आप जो दिखता है वही बिकता है। तो जिसने आर एन डी किया वही मार्केट का किंग बना, तो आपको इस तरह से प्लानिंग करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वो आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे चाहे आप ऑफिस का ऑपरेशन हो, चाहे प्रोडक्शन का ऑपरेशन हो, ऑपरेशन इसका मतलब एक्टिविटी, आप डे बाय डे ऑपरेटिव होना चाहिए। आपका रिजेक्शन कम होना चाहिए, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, आउटपुट ज्यादा कम हो, इनपुट ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है काफी ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको काफी एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन घर में बिजनेस लगा दिए, घर में आराम से सो रहे, आप खाली स्टाफ के ऊपर भरोसे करते हो और आपके जो फैक्ट्री इंचार्ज के ऊपर भरोसे करते हो, तो चलने वाला नहीं है, आपको ग्राफ गिरना ही गिरना है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब लास्ट जो है, अब जितना भी काम करते हो, प्लानिंग करते हो, बाद में आपका अकाउंट्स बहुत इम्पोर्टेंट, एक एक रुपये का आपको हिसाब रखना पड़ेगा। उसमें अकाउंट्स में क्या खर्च किया, क्या आया, क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या हमने इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने का आपको अकाउंट्स और फाइनेंस पर ध्यान देना होगा कि हम क्या बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है। वो आप नहीं काम कर पाते हो तो आपको बिजनेस प्लानिंग सही नहीं है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, काफी नॉलेजेबल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाला वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ ही आप चाहते हो किसी और टॉपिक और प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ संध्या एंटरप्राइजेस।